नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई है। ये ग्रामीण थाना रानी की सराय क्षेत्र के बेहटा गांव के रहने वाले हैं। ग्रामीण सुधर्मा देवी, पन्नालाल, प्रमोद देवराज आदि का आरोप है कि हमारे पड़ोसी वीरेंद्र ने पुलिस से मिलकर हमारे पुश्तैनी रास्ते पर दीवार जुड़वा दिया है, अब हमारे घर तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती खड़े होकर 11 जनवरी 2023 को दिन में लगभग 12 बजे रास्ते पर दीवार खड़ी करवा दिया। विरोध करने पर पुलिस वालों ने जेल भेजने की धमकी देकर मनमानी करते हुए दीवार को जुड़वाया। लोगों ने बताया कि पहले भी 3 बार सुलह समझौता हुआ, विपक्षी रास्ता देने के लिए तैयार थे, लेकिन SHO द्वारा जबरदस्ती अवैध कब्जा करवाया गया है। जब हम लोग अपनी शिकायत लेकर थाने पर पहुंचे तो हमें थाने से भगा दिया गया। इसके बाद हम सब आज पुलिस कप्तान के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। हम लोगों ने पुलिस कप्तान से मांग किया है कि जांच करवाकर रास्ते को खुलवाया जाए, ताकि पहले की तरह हम अपने घर पर आसानी से आ जा सकें। पीड़ितों ने बताया कि पुलिस कप्तान ने CEO साहब से जांच करवाकर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पन्नालाल है, बेहटा थाना रानी की सराय। मामला हम लोग को पुश्तैनी रास्ता था, जिस पे हम लोग आते जाते थे, जो है स्थानीय पुलिस की सहायता से जो है उसको बंद करा दिया गया। मैं बगल के एक वीरेंद्र हैं, वही बंद करवाए हैं, वो पुलिस के सहायता से, पुलिस मौके पर खड़ी होके जो है पूरा रास्ता बंद करवाई है। रास्ता सार्वजनिक है, जैसे हम लोग, हाँ सार्वजनिक रास्ता है, 5-7 लोग जो है पुश्तैनी रास्ता हम लोग आते जाते हैं। जो खरंजा नहीं बिछा है तो कप्तान साहब को हम लोग दिए हैं, क्या कि हम CEO को जांच में लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि रास्ता खुल जाए और हम लोग जो आवागमन सुचारू रूप चले, जो है पूर्व की स्थिति रहे, जो है